ईरान और इसराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कोशिश तो ये की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच जारी इस तनाव को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे कई देशों की चेतावनी के बाद भी इसराइल ने अब ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर दी है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है। ईरान की ओर से किए गए हमले का जवाब इसराइल ने अपने अंदाज में दिया। शुक्रवार की सुबह ईरान इसराइल के हमलों से दहल उठा। ईरान के बीचों बीच धमाके की गूंज सुनाई दी और कहा यह जा रहा है कि यह धमाका इसराइल की ओर से किया गया है। ईरान की एक समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि इरफान शहर में धमाके हुए हैं जिसकी आवाज काफी तेज थी। माना यह जा रहा है कि ये हमले इसराइल की ओर से किए गए हैं। इसराइल की ओर से की गई इस जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान हाई अलर्ट में है। एक हमला तो ईरान के एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किया गया, जिसके कारण कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल ईरान ने तेहरान, शिराज और इस्फहान जैसे शहरों से उड़ानों को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि ईरान की ओर से इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका बनी हुई थी। ऐसे में ईरान में हुआ यह विस्फोट इसराइल का जवाबी हमला माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि इसराइल के हमले से उसके परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इन हमलों से इसराइल ने ये दिखाने की कोशिश जरूर की है कि ईरान के अहम ठिकाने भी उसकी जद में है। ईरान की ओर से किए गए हमले का जवाब इसराइल देगा, इसका अंदेशा पहले से ही लग गया था। ईरान की ओर से किए गए हमले के बाद इसराइल के बड़े अखबार द जेरूशलम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिनबेट के मुखिया याकूब पेरी के हवाले से लिखा कि इसराइल को ईरान पर हमला करना चाहिए। उनके हवाले से अखबार ने लिखा, मैं समझता हूं कि प्रतिक्रिया देने के अलावा इसराइल के पास कोई चारा नहीं है। इसराइल को जवाब देना होगा ताकि वो मध्य पूर्व में सबसे गंभीर शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सके और ईरान से आगे रहे। जहां तक कैसे और कब का सवाल है, मैं कहूंगा कि ऐसा इसराइल की सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरानी हमले के जवाब में हमें अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालनी चाहिए। वहीं इसराइल के एक बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका भले ही मना कर रहा है इसराइल ईरान पर जवाबी हमला ना करे, लेकिन वॉर कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ है कि इसराइल ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि उनके देश की तरफ से जवाबी हमला जरूर होगा और ऐसा हुआ भी। इसराइल पहले ही गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ जंग में उतरा है। अब एक और मोर्चा खुलने से इसराइल के लिए और उसके सहयोगी देशों अमेरिका और ब्रिटेन के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। अब ईरान और इसराइल में शुरू हुई ये जंग क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।